हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप, आप मुझे सैंडी भी कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं संडे विद सैंडी चैनल में। चलिए दोस्तों आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की स्टोरी एक बिजनेसमैन की है। बिजनेसमैन का जब लड़का होता है तो वो बहुत ही खुश होता है, उसको लगता है कि चलो कोई आ गया मेरे बिजनेस को संभालने वाला। और ऐसा ही होता है, जब वो बिजनेसमैन बुजुर्ग हो जाता है, उनका लड़का ही उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। उनका लड़का बहुत ही अच्छा कर रहा होता है बिजनेस में, बिजनेस बहुत ही ग्रो हो रहा होता है, लेकिन उनका लड़का हमेशा परेशान रहता था, इरिटेट रहता था, क्योंकि वो जो बिजनेसमैन थे अपने लड़के को हमेशा टोकते रहते थे, रोकते रहते थे, समझाते रहते थे, तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, तुम वहाँ पे गलत कर रहे हो। उनका लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है। एक दिन गुस्से में आके वो बोल पड़ता है, पापा आप तो रहने दो, आप देख लो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ बिजनेस में, आप अपना बिजनेस तो ग्रो कर नहीं पाए, अब मुझे क्या बताओगे, मुझे ना बताया करो कुछ भी। पापा काफ़ी दुखी हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं सुन के, और बोल पड़ते हैं ठीक है बेटा आज से मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शुरू शुरू में लड़का तो बहुत ही खुश होता है। 6 महीने बाद अचानक बिजनेस लॉस में चला जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़का सोचता है कि चलो प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, हम रिवाइव कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 साल बाद ये नौबत आ जाती है कि कंपनी डूबने वाली होती है, कंपनी बैंक्रप्ट होने वाली होती है। अब लड़का घबरा जाता है, अब वो कॉन्टैक्ट करता है अपने दोस्तों को, बिजनेस गुरुओं को, मोटिवेशन गुरुओं को, उसको कोई भी नहीं समझा पाता है कि चक्कर क्या है। अब वो हार के एक काउंसलर के पास जाता है। जब काउंसलर को वो सब कुछ बताता है तो काउंसलर खाली एक ही बात पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा है? वो कहता हाँ मेरे पिताजी हैं। काउंसलर कहते अरे फिर क्या टेंशन है, पूछिए अपने पिताजी से। वो बताता है मेरी आजकल पिताजी से बात हो नहीं पाती। काउंसलर कहता अरे ऐसा ना करें, अपने पिताजी से पूछें, आई एम श्योर वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल देंगे। अब वो ऐसे ही करता है, वो जाता है अपने पिताजी के पास। पिताजी जब देखते हैं कि उनका लड़का उनके पास आया है तो बोल पड़ते हैं अरे भाई क्या बात है, आज तुम कैसे आ गए मेरे पास? वो कहता है पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आके आपको बहुत अपशब्द बोल दिए। वो कहता है लेकिन पिताजी आज हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में, हमारा बिजनेस डूबने वाला है, हम बैंक्रप्ट होने वाले हैं। पिताजी कहते हैं मुझे तो पता ही था। वो कहता है पिताजी आपको पता था, ये कैसे? पिताजी बताते हैं जब मैं यंग था मैंने भी यही गलती करी, एक दिन गुस्से में आके मैंने भी अपने पापा को बोल दिया था, पापा जी मुझे आप रोकना टोकना बंद करें, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और जब मेरे पापा ने मुझे रोकना टोकना बंद करा तो मेरे बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया, लेकिन जब मेरे को उनकी जरूरत थी वो इस दुनिया से जा चुके थे। अब लड़का समझ जाता है कि चक्कर क्या है। अब उसको समझ में आता है जब तक मुझे पापा रोकते रहे टोकते रहे मेरा बिजनेस ग्रो करता रहा, लेकिन जैसे उन्होंने रोकना टोकना बंद करा मेरा बिजनेस लॉस में जाने लग गया। अब वो पूछ बैठता है पापा ऐसा क्यों, जब तक आप मुझे टोकते रहे मेरा बिजनेस ग्रो होता रहा, लेकिन जैसे ही आपने मुझे टोकना बंद करा मेरा बिजनेस लॉस में जाने लग गया। वो पूछता है पापा जी ऐसा क्यों? पापा जी बताते हैं अरे बेटे ये तो बहुत ही सिंपल है, जब भी किसी भी इंसान को ये लगने लगे वो जो भी काम कर रहा है उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसको जब भी ये लगने लगे कि वो सब कुछ परफेक्ट कर रहा है तो वो लर्न करना छोड़ देगा, ग्रो करना छोड़ देगा। जब उसे पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ गलती कर रहा है तो वो कैसे ग्रो करेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेक श्योर आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारी स्टोरीज की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू
प्लीज मेरे स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर। हरे कृष्णा।